पहले नबदना अभियान और उसके बाद बंगाल बंद का ऐलान, ये ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन चुका है। बीजेपी के बंगाल बंद को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जो दाव चला था वो फेल हो चुका है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बंगाल बंद को रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो बंगाल बंद के बीच ये बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है, उनकी सरकार के लिए है, जहां पर बीजेपी के बंगाल बंद को रोकने के लिए ममता बनर्जी के जरिए जो एक पीआईएल दाखिल की गई थी उस पर अब कोलकाता हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है, यानी उस याचिका को खारिज कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी के बंगाल बंद के आह्वान को अवैध घोषित करने की मांग वाली ये पीआईएल थी, जिसे खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से यही है, जहां पर एक तरफ लगातार जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले, लेकिन ममता बनर्जी हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले को लेकर पहले भी ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस को कड़ी फटकार लगा चुकी है, और अब एक और फटकार जो है वो ममता सरकार को एक तरीके से लगी है। इस पीआईएल के खारिज होने के बाद एक तरीके से माना जा रहा है कि ये ममता बनर्जी सरकार के लिए ही बड़ा झटका है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं टीएस शिवगनम और साथ ही न्यायाधीश एच भट्टाचार्य, उन्होंने बीजेपी के बंद के आह्वान को अवैध घोषित करने की मांग वाली इस याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में बीजेपी के जो बंगाल बंद को लेकर ये याचिका जो है वो अधिवक्ता अग्निश बसु की ओर से दायर की गई थी, ये जनहित याचिका। और जजेस का ये कहना है कि दरअसल इस याचिका में अपने बारे में गलत जानकारी जो है वो अग्निश बसु के जरिए दी गई, और यही कारण है कि उन्हें अदालत के सामने कोई भी जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया गया है। यानी जिस अग्निश बसु के जरिए ममता सरकार ने या खुद ममता बनर्जी ने ये पीआईएल दाखिल करवाई थी, अब उन्हें कोर्ट में कोई भी पीआईएल दाखिल करने से रोक दिया गया है। जिस तरीके की जो जानकारी है वो इस पीआईएल में दी गई थी, जैसा कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि गलत जानकारी थी, यानी किस तरीके के दांव पैच चल रही है इसी बात का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट की पीठ थी उसने ये कहा कि जनहित याचिका विचारणीय नहीं है, यानी इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ये याचिका बिल्कुल गलत है, ये याचिका के कोई मायने नहीं है, ये कहा गया, क्योंकि याचिकाकर्ता संजय दास को पहले के एक मामले में कोई भी जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया गया था। यानी यहां पर ये मैं क्लियर कर दूं कि दरअसल जो याचिकाकर्ता हैं वो संजय दास हैं, और जिसके जरिए यानी अधिवक्ता के जरिए याचिका दाखिल कराई गई है वो अग्रिम बसु है। तो इस तरीके से ये याचिका जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में इस बीजेपी के बंगाल बंद को रोकने के लिए ये पीआईएल दाखिल की गई थी, ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को जो है खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि यह याचिका विचार के योग्य नहीं है। हालांकि इससे पहले जो याचिकाकर्ता हैं वो दरअसल एक मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। तो किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किस तरीके की कोशिशें जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जरिए की जा रही है, वहां की पुलिस, वहां के जो टीएमसी के नेता है वो किस तरीके से वहां पर अब गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, बीजेपी के जो नेता वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, ये हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में लगातार हम देख रहे हैं। और ये जो बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी ने किया, जाहिर तौर पर कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, जो वहां पर उसकी हत्या हुई, उसके खिलाफ ही ये विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर जब ये कह चुका है कि शांतिपूर्ण अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि उन प्रोटेस्टर्स के साथ वो इस तरीके का
व्यवहार करें या उन्हें हटाए उनकी जगह से। लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर ये नजारा लगातार दिख रहा है, जहां ममता बनर्जी की तानाशाही, उनकी जो हिटलर गिरी है, वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। लेकिन अब जो कोशिश ममता बनर्जी की थी कि नबन्ना जो प्रोटेस्ट है उसमें तो छात्रों पर लाठियां बरसा दी गई, छात्रों को किसी तरीके से रोक दिया गया, अब बीजेपी के इन नेताओं को भी रोका जाए जो कि ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जो लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा जो झटका है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए है, और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल हमने देखा है कि कल किस तरीके के हालात छात्रों के लिए बनाए गए, वो भी तब जब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जब हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस तरीके से ये घृणित रवैया जो है ममता बनर्जी उनकी सरकार का देखने को मिला, तो जाहिर तौर पर ये गलत है। क्या कुछ बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल की तरफ से कहा गया है, जरा सुनिए। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिचिल में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे, इसका पिक्चर मेरे पास है, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन दिया है, और वाटर कैनन में सिर्फ वाटर नहीं, उसमें केमिकल मिला हुआ, जो गैस छोड़ा है ना वो 2-3 घंटे तक लग रहा है कि कोई दबा दिया है गला को, इतना सफोकेटिंग। क्यों आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को, शिक्षित अशिक्षित, 6 बरस से 60 बरस का महिला को अत्याचार हो रहा है, और आप अगर हम लोग प्रतिबात करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबात भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा, और मिनती करके हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं, हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी का, अगर बंगाल बंद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी उसमें सफलता हासिल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी फिलहाल किस तरीके से कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है, ये उनके बयानों में स्पष्ट हो रहा है, ये उनके नेताओं की जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिस तरीके से वहां पर गोलियां बरसाई जा रही हैं बीजेपी के इन नेताओं पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के हालात जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बन चुके हैं, और ममता बनर्जी ने जो हालात पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए बनाए हैं उसको लेकर ही अब ये मांग है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि इस पूरे बंगाल बंद के बीच बीजेपी को जो रोकने की कोशिश ममता बनर्जी ने इस PIL के जरिए की, अब कोलकाता हाईकोर्ट ने उस PIL को खारिज करते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।